बेटा देख, मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन सेंटीमेंट्स आ गए बेटा, तू मुझे लिख के दे। मैं बेटा अपने बोलने तो दे, बोले तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। अपना करियर खराब मत कर मेरे बेटा, लोगों की बात में यहाँ पता क्या बेटे को बेटे, मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा करियर खराब हो जाएगा, तेरी बात पहुंच गई। बोलो सर, आपने कानून का पालन किया, कुछ नहीं होगा, हिम्मत क्यों हार रहा है? परंतु ऐसा काम मत करो, अब कानून को अपने हाथ में नहीं लेना आपने। आपका पूरा ध्यान रखेंगे, अपना अपना जो रिपोर्ट वो लिख बेटा, ये सिक्योरिटी का काम है, इसमें हमको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शांति से घर जाने जाओगे, आप उनको टेंशन मत लो, और अगर आप कानून हाथ में लोगे तो कानून तो अपना काम करेगा बेटा, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? ठीक है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुमने कानून का पालन किया, अपना प्रदर्शन कर लिया, तुम्हारी बात सरकार तक पहुंच रही है, इससे परेशानी क्या है? आप अपने लेकर में मुझे दो, मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा आपकी बात। कहोगे जी 10 साल बोलिए, कम से कम 9 साल 6 महीने 1 महीना कुछ मतलब कुछ करता, मैंने नौकरी की तैयारी करना है, आर्मी की इतना मैंने तैयारी करी, 4 साल की भर्ती मिलेगी है ना, भर्ती में लाग दीगा, 6 महीने ट्रेनिंग करवाऊंगा, मैंने सोचूंगा भाई मैं लाग गया, लेकिन उसके बाद क्या टेंशन होगी? अरे कभी 4 साल पीछे मैं भी निकलूँ, 25 महीना जी, मैं 25 साल का, मैं 21 साल का हूँ, 25-26 साल का मैं निकल का आऊंगा, 25-26 का निकल का मैंने 12th करा की ग्रेजुएशन तो मैंने करी नहीं, आर्मी में ज्वाइन हो गया तो मैं ग्रेजुएशन आगे करूंगा, 2-3 साल की ग्रेजुएशन हो, वो जो ग्रेजुएशन करके मैं 30 साल का नौकरी कहाँ छोड़ूंगा? जो सरकार की जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उन्होंने सबका, मैं ये नहीं कहता सरकार ने कुछ सोच समझ का पॉलिसी बनाई है। जब आप बोल रहे थे मैं सुखा सुन रहा था, अब थोड़ा अपने आप की अपनी मेच्योरिटी दिखा बेटा, मैं बोलने लगा तो आप मुझे बोलने भी नहीं देते। जो सरकार ने अगर आपके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ समय तो दो सरकार को भी, आपने अपना प्रदर्शन कर लिया, ये अब अगर सरकार ने अगर लेकर ये डिसीजन लिया है तो आपका आपका भी बात सरकार तक पहुंच रही है, तो थोड़ा सा संयम तो रखो, कानून को अपने हाथ में लेने क्या फायदा बेटा? ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन है, जो आप कह रहे हो सरकार तो बहुत कुछ सोच रही है हमारे बारे में, तो इतना आवेश मत आ बेटा, आपकी बात पहुंचाए नहीं। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि शांति को बना रखो।